Let us really begin with the case of lightweighting. What do we mean by light? What are the characteristics of lightweighting, and how we can discuss the principles of reflection as well as with the refraction of light and all the other relevant related phenomena, beta. अगर बेटे लाइट की बात करें इन जनरल, लाइट जो है बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक स्पेशल तरीके की. इट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और डिफरेंट डिफरेंट मीडिया जो है, इस डिफरेंट डिफरेंट मीडिया में लाइट की स्पीड अलग अलग है. और जो लाइट है ये बेटा पर्टिकुलरली डिफरेंट फिनोमिना शो करेगी, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, एंड सम ऑफ द मोर फिनोमिना वी विल बी डीलिंग विद. तो आइए पहले बेटे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लाइट को डिफाइन कर लें, लाइट है क्या बेटा. सो बेटे जो लाइट है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और लाइट जो है अदरवाइज साइंटिफिकली स्पीकिंग बेटा इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. बेटे जो लाइट है इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. और इससे भी जरूरी ये है कि जो लाइट है इसकी स्पीड बेटे अलग अलग मीडिया जो है उनमें अलग अलग है. लाइट पोजेस different speeds in different media. ये जो word बेटे media है, this is the plural of the word medium. तो आप अगर एक medium कहोगे तो you will be simply pronouncing it as medium. Otherwise नंबर ऑफ मीडियम अगर हम कंसिडर करेंगे, प्लूरली कंसिडर करेंगे, दैट विल बी जस्ट बिट मीडिया. इस केस में बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, अगर इसकी बात करें, एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करेंगे. और ये बेटे आपका जो है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अगर आप मीडियम बदल दो, आप एयर नहीं लेना चाहते, आप इमेजिन कर लीजिए पानी में स्पीड ऑफ लाइट देखना चाहते हो. सेकेंडली इन वाटर आपका जो स्पीड ऑफ लाइट है, पहली बात तो यह है कि हम इसको डिनोट नहीं करेंगे अब सी से, वी विल बी डिनोटिंग इट बाई वी सिंपली बेटा. और पानी में इसकी स्पीड 2.25×10⁸ मीटर पर सेकंड के करीब करीब है. अब जरा अगर बात कर लें बेटे प्योर ग्लास की, आप लोगों ने ट्रांसपेरेंट ग्लास देखा है, हम डेली लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास की. ट्रांसपेरेंट ग्लास में, इन ग्लास रादर ट्रांसपेरेंट ग्लास आप मेंशन कर सकते हो, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है बेटा दिस इज 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड के करीब करीब न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिलती है. अब जरा आप इन स्पीड्स को बेटा ध्यान से देखिएगा, एयर में सबसे ज्यादा, पानी में उससे कम हो गई है, और ग्लास में उससे भी कम हो गई है. और अगर कोई आप और ज्यादा डेंस मीडियम ले लोगे इट विल स्टिल बिकम लेस बेटा. इसका मीनिंग बेटे डायरेक्ट ये है कि जैसे जैसे आपका मीडियम का डेंसिटी बढ़ता जाता है, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, सिंपल डेंसिटी नहीं, अदरवाइज तो डेंसिटी हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम. इफ द मीडियम इज बेटे लेस डेंस स्पीड ऑफ लाइट विल बी मोर, इफ इट इज मोर डेंस देन इट बिकम्स लेस, एंड इफ इट इज स्टिल मोर एंड स्पीड इट बिकम्स स्टिल लेस. You can compare these with the numerical values as such, powers are same. So always keep in mind that बेटे जब जब जैसे जैसे हम
अपने मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को इंक्रीज करते चले जाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होता जाता है। बैठिए, ऑप्टिकल डेंसिटी बेटे इट इज समथिंग वेरी गुड रिलेटेड क्वेश्चन। ऑप्टिकल डेंसिटी में बेटे हम ये कहते हैं कि हमारा जो मीडियम है ये लाइट के लिए कितना डेंस है या कितना रेयर है। जैसे हम अदरवाइज सिंपल डेंसिटी की बात करते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी हमारी डेफिनेटली कम हो जाएगी। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पे सिंपल डेंसिटी से इस वे में अलग है कि वहाँ पे हम लाइट के साथ रिलेटेड सारे का सारा कंसेप्ट लेके चलते हैं कि लाइट के लिए वो मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है। अदरवाइज डेंसिटी नहीं देखते हैं, लाइट को प्रोपेगेट भी करना है। अगर मीडियम ओपेक हो जाएगा तो लाइट प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा। मीडियम अगर आपका ट्रांसपेरेंट है और लाइट को वो कितनी ईज के साथ प्रोपेगेट करना अलाउ करता है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू योर ऑप्टिकल डेंसिटी बेटा। इसको डिटेल में हम बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कनेक्ट करके आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं इसको और ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता बिकॉज स्टिल वी आर नॉट एट ऑल नोइंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके जो डिफरेंट डिफरेंट मीडिया है इनकी एक प्रॉपर्टी है, इसके साथ रिलेटेड बात हम ज्यादा डिटेल में वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। तो प्रेजेंटली आप अपने माइंड में इतनी बात जरूर रखिए कि ऑप्टिकल डेंसिटी कहीं ना कहीं आपकी ऑप्टिकल सिग्नल, ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, लाइट की पैसेज को कितना ज्यादा ईज के साथ पास करने देता है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू दैट। बेटे चले आगे बेटे, अब ये कुछ बेटे बेसिक पैरामीटर्स थे। अब बेटे लाइट की रे क्या होती है, लाइट की बीम क्या होती है, आइए जरा इसको भी समझ के देखें। व्हाट डू वी मीन बाई रे ऑफ लाइट एंड ए बीम ऑफ लाइट, और इन द एंड रिफ्लेक्शन कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे बेटा। लेट अस कंसंट्रेट बेटा, रे ऑफ लाइट बेटे आप दो पॉइंट्स बेटे मार्क कर लो, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं बेटा इनको ज्वाइन करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। एक पॉइंट का नाम आप पॉइंट ए रख दो, सेकंड पॉइंट को आप बी पॉइंट बोल दो। आपने ए से बी को ज्वाइन करती हुई ये एक लाइन बेटे ड्रॉ कर दी, ये आपका एक सिंपल लाइन है। दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, हमने दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए स्केल की हेल्प के साथ पेंसिल लेकर सीधा डायरेक्टली इनको कनेक्ट कर दिया और इसको हमने लाइन बोल दिया। अब लाइन आपका जो है बेटा ये कैसे अलग है, अगर आप यहाँ पे एरो हेड डाल दोगे देन दिस लाइन इट बिकम्स बेटे रे ऑफ लाइट। एक लाइन जो है, लाइन को जब आप ये एरो हेड ऐड कर देते हो, एरो हेड मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बेटे, तो अब ये रे नहीं, आपका लिए सिंपली लाइन नहीं रहा, अब ये रे बन गया बेटा। सो ए रे ऑफ लाइट इज नथिंग बट ए लाइन विद एन एरोहेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बेटे, जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपेगेट कर रही है उस डायरेक्शन में हमने एरोहेड ऐड कर दिया लाइन के साथ, तो ये हमारा बन गया बेटा एक रे ऑफ लाइट बन गया। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर आपके पास एक से ज्यादा रेज ऑफ लाइट हैं, इमेजिन कर लीजिए दिस इज वन रे ऑफ लाइट, this is another ray of light, this is still another ray of light, and here it is still another ray of light, then this group of rays of light जो है इसको बेटे बोल देते हैं beam of light। जब आप equidistant and parallel ये light की rays को ड्रॉ कर देते हो तो ये आपके पास बेटे लाइट का बीम बन जाता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए रे ऑफ लाइट एंड ए बीम ऑफ लाइट बेटे।
आइए बेटे फर्दर बात करके देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और रिफ्लेक्शन कैसे होता है एंड सम मोर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा। आइए कंसंट्रेट करें बेटे। वी हैव फर्दर विद अस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने बेटे जिस पहले बेटे एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। इमेजिन कर लीजिए ये हमारे पास एक वेल पेंटेड सरफेस है, आपका मिरर है, आप ये इमेजिन कर सकते हो। इस मिरर की ये बैक वाली सरफेस है, दिस इज द पेंटेड सरफेस बेटा, और ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है। इसको आपने सिल्वर के साथ पॉलिश कर रखा है। ड्रेसिंग टेबल का मिरर हम सब देखते हैं बेटे मॉर्निंग टाइम, जो बिल्कुल फ्रंट वाला सरफेस होता है वो पॉलिश किया हुआ होता है, और बैक वाले सरफेस पे कुछ इस तरीके का पेंट हो सकता है डार्क कलर का, या कुछ ये जो आपका स्कूल में दीवारों पे हुआ हुआ डार्क पेंट, इट मे बी देयर, इट मे बी ब्लैक इवन। द पर्पज इज टू ब्लॉक द रेज ऑफ लाइट टू गेट ट्रांसमिटेड थ्रू दैट पर्टिकुलर ग्लास बेटे सरफेस। सो रिफ्लेक्शन के केस में हमने एक पेंटेड सरफेस और एक पॉलिश सरफेस और एक मिरर कंसिडर किया। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट अपनी तरफ से इमेजिन कर लिया, एक मार्क लगा लिया। डी है किसी के पास बेटे? इस पॉइंट पे हमने बेटे क्या किया फर्दर मोर, देखिएगा बेटे किसी के पास डी है तो, इस पॉइंट पे हमने बेटा, थैंक यू बेटा, ये डी ऐसे प्लेस करके बेटे हमने देखिए ऐसे रख के ये एक 90 डिग्री के एंगल पे बेटे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। सिंपली इसको हमने ये देखिए ये 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। मैथमेटिक्स में आप इसको परपेंडिकुलर या नॉर्मल बोल देते हो ना बेटा, तो यू कैन कॉल दिस वे दिस लाइन एज द नॉर्मल बेटे। बड़े ध्यान से देखिएगा फिर से, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब इस पॉइंट पे आप कोई रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाने वाले हो। तो फिर से देखिएगा ये डी है मेरे पास, डी को अब की बार मैंने ऐसे प्लेस किया एंड फर्दर मोर ये मान लीजिए मेरा एंगल बन गया 60 डिग्री का विद द वर्टिकल। तो ये यहां से बेटे मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी अपनी तरफ से, ये कोई रे नहीं था पहले, मैंने सिंपली पॉइंट लगाकर ये रे ये लाइन रादर ड्रॉ किया है, और ये एंगल मैंने जरूर नोट किया है, ये एंगल 60 डिग्री का मेरे पास आ रहा था। इस लाइन को अगर मैं एरो ऐसे अटैच कर दूंगा तो मेरे पास ये रे ऑफ लाइट बन जाएगा। आई विल बी कॉलिंग दिस एज इंसिडेंट रे, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। नॉर्मल के साथ जितना ये एंगल बनाता है इंसिडेंट रे, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप लोगों ने कहीं जरूर पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में भी। अब अगर आप बेटे इस साइड ऑफ द मिरर से देखोगे, आपको ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ जो है एक रे जाता हुआ मिलेगा, और ये आपका एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन फिनोमिना की, अभी हमने वो भी डिफाइन करना है। ये आपके पास है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बेटे। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें बेटे हमने लिखी हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सबसे पहली बात तो यह कि रिफ्लेक्शन है क्या। रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना बाई विच द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इट कम्स बैक इन टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द वेल पॉलिश्ड सर्फिस, या जैसे आप लोअर क्लासेस में पढ़ते थे, इट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द वेल पॉलिश्ड सर्फिस। तो आइए पहले मैं लिख देता हूं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है बेटा इट इज डिफाइंड
as the phenomena of bouncing back of the incident ray of light after striking a plane surface with them. तो ये देखो बेटे डियर चिल्ड्रन, वंस अगेन आपका इंसिडेंट रे है, यहाँ पे आके स्ट्राइक किया, बाउंस बैक करके उसी मीडियम में वापस चला गया. इस पूरे प्रोसेस को या फिनोमिना को हमने बोल दिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में और हमारे पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो है बेटा, ये आपने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, बनाए भी हैं आपने. इनमें सबसे पहले इंसिडेंट रे, सेकंड बेटे हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीसरी बात है रिफ्लेक्टेड रे, चौथी बात है एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा, ये एंगल आई जिसको आपने बोला है, एंड फिफ्थ पॉइंट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर बेटे. अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमें देखने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे कि वो क्या है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको कह देते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दीज लाई इन द सेम प्लेन. और दूसरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं. वेरी राइट बेटी, वेरी राइट. सो आइए इन दोनों लॉज को रिकैप्चुलेट करके एक बार फिर से लिख ले सिस्टमेटिक वे में. लॉज, हाँ जी बेटे, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई, एंगल आर, राइट. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आइए देखें क्या है. ये पहला लॉ है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन बेटा. आप देख सकते हो डायग्राम में ये एक ही प्लेन में बेटे सारे के सारे ओरिएंटेड हैं. यस बेटे, प्रेजेंटली हम लाइट को वेव मान रहे हैं, हम पार्टिकल नहीं कह रहे. वैसे बैठिए बेटे आप, आपका अगेन गुड क्वेश्चन है. लाइट का दोनों तरीके का बेटे नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है. प्रेजेंटली वी आर टॉकिंग विद द वेव नेचर ऑफ लाइट, हम पार्टिकल नेचर नहीं लेके चल रहे हैं. पार्टिकल नेचर जब आप थोड़ा बड़ी क्लास में हो जाए तो फिर करेंगे इसको, डिटेल में करेंगे, डोंट वरी, राइट. हाँ जी, बैठिए. बाकी रेज आप लाइट रे की या लाइट वेव की हाँ हाँ, और जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट वेव्स हैं, किसी भी तरीके की वेव्स हों, वो भी बेटे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करती हैं. मे बी रिफ्लेक्शन, मे बी रिफ्रैक्शन, मे बी पोलराइजेशन, और भी कुछ मिसलिनियस प्रॉपर्टीज हैं, वो शो करती हैं डेफिनेटली. तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे वी विल बी डिस्कसिंग दोज इन डिटेल, ठीक है जी. सो डियर चिल्ड्रन, वंस अगेन फॉर योर कन्वीनियंस बेटा, हम प्रेजेंटली वेव नेचर ऑफ द लाइट जो है इसको लेकर चल रहे हैं, पार्टिकल नेचर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. वैसे ये पार्टिकल नेचर पोजेस करता है, वी कैन रादर डिस्कस पार्टिकल नेचर, बट प्रेजेंटली बिकॉज इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, वी विल नॉट एट ऑल बी फोकसिंग अपॉन इट. सो सेकेंड लॉ हमारे पास है बेटा रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा. जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका उसके बराबर है. इट विल मीन दैट एंगल आर भी आपका 60 डिग्री होगा. अगर आई 60 है तो आर जो है इट विल आल्सो भी बेटा 60 डिग्रीज बेटे. आइए अब बेटे मैं थोड़ा सा आपको बेटे, एक टर्म आती है एंगल ऑफ डेविएशन, आइए देखें वो क्या है. इसी कंटेक्स्ट में आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, लेट अस बेटा
फोकस अपॉन इट बेटा, एंगल ऑफ डिविएशन, इसको बेटा इस लेटर से डिनोट करते हैं, ये वाला लेटर एट बनाकर ऊपर से खुला छोड़ देते हैं, वी कॉल दिस एज डेल्टा। ऐसे इसको बोल लिखते नहीं है, बोलते हैं, आपको समझाने के लिए लिखा मैंने डेल्टा। अब जरा ये रे को ध्यान से देखिए, इंसिडेंट रे है आपका, अगर इसके रास्ते में ये आपका प्लेन मिरर ना होता तो दिस रे माइट हैव गॉन इन दिस डायरेक्शन, कंटिन्यूड इन दिस डायरेक्शन, ऐसे इसने चले जाना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मिरर प्रेजेंट है, ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से मुड़ गया। रे मुड़ कितना गया, इतने एंगल पर डिविएट हुआ ये। कैन यू टेल व्हाट दिस एंगल इज इक्वल टू बेटा, एनीवन फ्रॉम योर साइड, कितना होगा ये एंगल? इट इज 40। कैसे बेटा 120 सर, 180। ध्यान दीजिए, ये स्ट्रेट लाइन है, दिस कंप्लीट एंगल, दिस इज बेटे 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से आप इन दोनों का सम माइनस कर दीजिए, दिस इज 120 डिग्री, कितना बना? 60 बना ना बेटा। सो एंगल ऑफ डिविएशन, जब आप प्लेन मिरर की बात कर रहे हो, एंगल डेल्टा आपका 180 माइनस आई प्लस आर कर लो, या एंगल डेल्टा आप 180 माइनस ट्वाइस आई कर लो, क्योंकि आई आर के बराबर है, या आप एंगल डेल्टा को 180 माइनस ट्वाइस ऑफ आर कर लो, एक ही बात है। सो इस तरीके से आप वो एंगल निकाल सकते हैं जिस एंगल पे आपका इंसिडेंट रे डिविएट कर जाता है अपने ओरिजिनल पाथ से, अगर उसके रास्ते में, उसके पाथ में आपने कोई वेल पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस को प्लेस किया है। बेटे क्लियर बेटा? सो आइए आगे चलें। इसके बाद हमारे पास बेटे कंसेप्ट है, इमेज क्या होता है, कितनी टाइप्स का होता है इमेज, और हम कैसे बेटा इमेज बना सकते हैं। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा। किसी भी केस में बेटा, जब भी आप इमेज फॉर्मेशन की बात करते हो, आपकी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे या तो एक्चुअल में मीट कर जाएं, या हमें लगे कि वो मीट कर रही हैं, दे शुड अपीयर टू मीट, तो वहां पे हमारा इमेज बन जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन दैट की अगर वो असल में मिल रही हैं कि हमें अपीयर टू मीट हो रही है। आइए देखें बेटा, इमेज पहली बात तो होता क्या है, इमेज जो है ये बेसिकली बेटे हम इमेज को भी इन दो टाइप्स को लेकर ही डिसाइड करते हैं। हमारे पास एक बेटे आ जाता है रियल इमेज, सेकेंडली भी है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज ऑन दिस साइड वी हैव वर्चुअल इमेज। जरा ध्यान से समझिएगा बेटे, रियल और वर्चुअल इमेज में बेटे क्या फर्क है? आपकी रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद अगर एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो आपका रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, दूसरी बात, और जो रियल इमेज है इट इज बिटे इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के बिल्कुल सामने होता है, और चौथी बात, रियल इमेज जो है इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टा होता है। फिर से सुनिएगा ध्यान से, अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करें, असल में मिल रही हूं, तो वहां पे रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, इट इज बेटे ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज जो होता है। और अदरवाइज वर्चुअल इमेज की अगर बात करें, ये आपका तब बनता है जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दे डू नॉट मीट बट दे अपीयर टू मीट। मैं लिखवाता हूं आपको, वर्चुअल इमेज इट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन मिरर होता है, इरेक्ट होता है ये बेटा, इन्वर्टेड नहीं होता बेटे, और इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते।
आइए देखें वन बाई वन रियल इमेज क्या है. रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट. ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है थोड़ा सा. असल में मिले रिफ्लेक्शन के बाद जो आपका वर्चुअल इमेज है इट इज फॉर्म्ड व्हेन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट. ये असल में नहीं मिल रही, दे जस्ट अपीयर. हमें लग रहा है कि वो मीट कर रही है. राइट बेटा. देन आपका जो रियल इमेज है इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. लेकिन वर्चुअल इमेज जो है इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. इसको नहीं बना सकते. इट इज ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर. रियल इमेज जो है इट इज ऑन द सेम साइड, ये ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर. और चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन दोनों में ये है कि आपका जो रियल इमेज है इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड ऑलवेज. और ये जो है इट इज इरेक्ट ऑलवेज. सो ये बेटे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इमेज के बारे में. जो आप अपना मॉर्निंग टाइम ड्रेसअप देखते हो प्लेन मिरर में वो हमारा बेटे वर्चुअल इमेज होता है, रियल इमेज नहीं होता. और जो आप थिएटर में मूवीज देखते हैं वो रियल इमेजेस होते हैं बिकॉज हमने उनको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया हुआ होता है. जिस जगह पे आप वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को परफॉर्म करते हुए देखते हो मूवीज में इन द केस ऑफ थिएटर्स, वो या आपका स्क्रीन ही होता है ना बेटे. तो स्क्रीन पे आप अपना इमेज ऑब्टेन कर लेते हो, दैट इज बेटे योर रियल इमेज. फिर मैं बात कहूंगा डियर चिल्ड्रन आपका जो मॉर्निंग टाइम आप अपना इमेज देखते हो मिरर में स्कूल आने से पहले तैयार होकर अपने आप को देखते हो थोड़ा बहुत कि आपका ड्रेस सेंस ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा, दैट इज योर वर्चुअल इमेज. और जो आप थिएटर में अगर हम बेटे कहीं मूवीज वगैरह वॉच करने जाते हैं तो वहां पे जो इमेज बनते हैं स्क्रीन पे वो सारे रियल इमेजेस होते हैं. सो दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू बेटा. सो इस केस में जो से इमेज बनी उसको आपने रियल इमेज कहा. बिल्कुल. जब इस केस में बनेगी तो ये इमेज इन्वर्टेड नहीं आएगी, तो ये रियल होगी. बस ये स्पेशल केसेस की बात है, करेंगे बात ये बेटी. आप लेंसेज में पहुंच गए हो ना, हम मिरर की रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं प्रेजेंटली. डिस्कस करेंगे इसको भी डिटेल में, डोंट वरी. जब जब आप बेटे बात करोगे रिफ्लेक्शन की तो उसमें स्पेशल केसेस हमें ऑलवेज देखने को मिलेंगे. हम उनको डिटेल में लेकर चलेंगे साथ, आप चिंता मत करिए बेटे. तो इसके बाद बेटे मैं थोड़ा सा प्लेन मिरर में इमेज बनता कैसे है एक बार आपको बना के दिखा दूं. देन आपका आई थिंक सेकेंड क्लास के लिए भी टाइम हो ही रहा है. यस, अभी हैं 2-4 मिनट्स. लेट अस बेटे हैव इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर. वैसे तो प्लेन मिरर का इमेज डिटेल में है नहीं आपके सिलेबस में, लिखा नहीं उन्होंने. अभी जो लेटेस्ट उन्होंने सिलेबस इशू किया है वो सीधा रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सर्फिसेस से स्टार्ट कर रहे हैं. सिलेबस मैंने ग्रुप में भेज दिया था, आपने देख लिया होगा ना सारे बच्चों ने. यस, तो ये प्लेन मिरर का मैं एडिशनली करवा रहा हूँ, थोड़ा हमें पता चल जाएगा कि इमेज बनता कैसे है बेटा. इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर. बहुत ही ध्यान से बेटे जरा देखिएगा समझिएगा.
आपने ये एक प्लेन मिरर बेटे कंसिडर किया, ये वाला, ये इसकी बेटे पेंटेड सरफेस है, मैंने वर्टिकली कंसिडर किया है, और ये फ्रंट वाली इसकी बेटे पॉलिश्ड सरफेस है। मैंने एक बड़े छोटे साइज का पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आपका ऐसे जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूं इस पॉइंट पे तो नॉर्मल आपका यही बनेगा, राइट? ये रे अलोंग द नॉर्मल जा रहा है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा? जीरो, वेरी राइट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो ही होगा, तो ये रे ऐसे ही वापस आ जाएगा। इधर जब आप देख रहे हो यू विल फील दैट कि ये रे कहीं इधर से आ रहा है, पीछे से, राइट? अब इसी ऑब्जेक्ट से एक और रे ऐसे जा रहा है, यहाँ यहाँ पे जाकर ये रे स्ट्राइक किया, इस रे के लिए ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया। यहाँ पे बच्चों मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये देखिए, ठीक हो गई बात? इस नॉर्मल के साथ आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया जी, राइट बेटा? और डियर चिल्ड्रन, ये आपका कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है जी? ये एंगल इसके बराबर होगा। अभी अभी हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की है। अभी तो देखो, जब आप यहाँ पे अपना आई लगाकर देख रहे हो इसको, रे को, तो यू विल एक्सपीरियंस कि ये रे इधर से आ रहा है, कहीं से, इधर से, यहां से आ रहा है, ठीक? इसका मतलब है कि ये जो दोनों रेज हैं असल में यहाँ पे नहीं मिली, दे अपीयर टू मीट, और इसीलिए इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे बेटा कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल। और बात बड़ी जरूरी है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होगा, राइट? और फर्दर मोर इट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, वाली बात भी सही हो गई। करेक्टरिस्टिक्स हमारे मैच भी तो करने हैं ना हमने, इसके क्या खास बातें हैं इसकी? इट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, पहली बात। दूसरी बात, सीधा है, इरेक्ट है। तीसरी बात, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से है उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर से अंदर की तरफ है, दूसरी तरफ है बेटा। सो दीज आर द की पॉइंट्स बेटे, ऑल्दो ये उन्होंने डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन किया नहीं है, बट फिर भी आप ये ट्रायंगल्स दो जो हैं इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकती हो। आई लेट इट बी एल, लेट इट बी एल डैश, ये साइड दोनों में कॉमन है, ये राइट एंगल है। और फर्दर मोर बेटे, ये जितना एंगल है ये एंगल उतना ही है, जितना एंगल ये है ये भी उतना ही है, बराबर है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई ना दोनों, 90 90, आई आर कॉमन साइड हो गई, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, आप ऐसे कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माय साइड बेटा, इनको डिटेल में एक बार पढ़िएगा ध्यान से, बाकी फिर बात बेटे हम कल तो आई थिंक पीरियड है नहीं, नेक्स्ट वीक जब भी पॉसिबल होगा करेंगे। We will begin with the case of our spherical surfaces with it. So thank you all. Huh?